हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मम्मी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेथी पराठा बनाएंगे हम लोग आज। तो मेथी के पत्तों को मैं बारीक काट ली हूँ, पहले उसको धो ली, उसके बाद मैं काटी हूँ, और जो मोटे डंठल थे उसे मैंने हटा दिए, और बारीक काटना है फ्रेंड्स। और इधर मैं प्याज, लहसुन, नमक और अजवाइन रखी हूँ, ये देखिए इस प्लेट में। और इधर आटा है हमारा। अब इन सब को मैं एक साथ मिक्स कर दूँगी आटे के साथ, मेथी पत्ता, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और अजवाइन, इन सब को अच्छी तरह से मिला देना है। और इसमें थोड़ा रिफाइंड तेल, या आप घी पसंद करते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। ये देखिए तेल मैं डाल रही हूँ, और इन सब सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करना है फ्रेंड, अच्छे से मिलाना है। और आटा टाइट गूथना होगा, क्योंकि मेथी के पत्ते में पानी होता है, हालांकि हमने पहले धो लिया है लेकिन फिर भी उसमें पानी रहता है। तो आटा थोड़ा टाइट गूंथेंगे। और यह देखिए अभी मैंने सारे सामग्रियों को मिला लिया है, और गूंथने के बाद इसे 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि पराठे अच्छे बने। ये देखिए मैंने इस तरह से आटा को तैयार कर लिया है, और इस तरह से इसको बेलेंगे चौकी पे। आप कोई भी आकार का बना सकते हैं, मैं यहाँ त्रिकोणा बनाई हूँ। ये देखिए अगर आपको सॉफ्ट पराठे पसंद है तो त्रिकोणा बनाइए, और अगर क्रिस्पी पसंद है तो इसको गोल बेलिए। और इस तरह से इसको पलटते हुए पकाना है, और मीडियम आंच पर पकाना है फ्रेंड्स, तब ये पराठे अच्छे बनेंगे। और इस तरह से पलटकर आप इसमें बटर या घी या रिफाइंड तेल जो आप पसंद करते हैं उसके साथ आप बनाइए पराठा को, और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो जिस सब्सक्राइबर ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए,